बहुत इंतज़ार था हम लोग को ढाबा का बना हुआ आइटम खाने का। आइए हम लोग पहुँचे हैं जुबली ढाबा। इधर से चलिए जुबली ढाबा पहुँच गए हम लोग। अच्छा चिकन फ्राई होगा, उसके बाद इसमें ग्रेवी पड़ेगा। अच्छा ग्रेवी पहले से बनी रहती है आप लोग की? अच्छा मसाला आपका रेडी है ना? रेडी रहता है। अच्छा तो पहला काम मसाला है। पूरे दिन के लिए आप लोग मसाला पहले से रेडी करके रखते हैं। फ्राइड हो गया आपका चिकन, फ्राइड होकर रेडी है। लहसुन पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। चलिए अब मसाला भुनाना रेडी हो गया है, साथ में प्याज। प्याज भुनाने के बाद हम लोग चिकन डाल दिए भैया। चिकन का साथ इसको हीट करेंगे। अच्छा जो तेल वगैरह होता है अंदर में अगर काम करता है तो हीट करेगा। अब इसमें हमारा रेडी टू गो मसाला डाल रहे हैं भैया। मसाले में क्या क्या डालते हैं भैया? पोस्ता दाना है, काजू है, पोस्ता दाना, काजू किशमिश, प्याज, प्याज का पेस्ट, मगज, मगज, मगज रहता है। अच्छा काजू बादाम रहता है। अच्छा मूंगफली बादाम रहता है, मूंगफली बादाम रहता है। अच्छा सादा ग्रेवी रहता है। अच्छा प्लेन ग्रेवी भी आप साइड में रखे हुए रहते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कसापन होता है, उसमें ज़्यादा रिच होता है, इसलिए आप लोग साथ साथ में प्लेन ग्रेवी भी रखते हैं। मेन ग्रेवी हो गई जो पहले डाले वो मेन ग्रेवी हो गया, वो मेन ग्रेवी हो गया साथ में आप लोग। और ये मतलब सिर्फ भुजा हुआ प्याज को जो है हाँ उसका पेस्ट बनाकर वो अलग रखते हैं। अब कलर निखर के सामने आने लगा ना भैया। ये कलेजी है, ये कलेजी जो आप काट के रखे थे शुरू में। चलिए क्योंकि हल्का मीठापन भी होता है और हल्का कस्सा भी होता है। अच्छा अच्छा ग्रेवी में एक नया टेस्ट ले आता है ना, ये चीज मैं पहली बार देख रहा हूँ भैया। अपने कलेजी को काट कर वो ग्रेवी के रूप में उसका यूज करता है। अच्छा और अक्सर रेस्टोरेंट वाले जो है वो इसको यूज नहीं यूज कर पाते, वो कलेजी वगैरह डालते नहीं। अच्छा हालांकि बटर मसाला में कलेजी पड़ता है और पूरा कटिंग करके पड़ता है, वो खड़ा नहीं पड़ेगा, उससे सौंधापन आ जाता है। अच्छा और हम लोग मिर्च पाउडर जो है बहुत हल्का यूज करते हैं,
आपने तो हरा मिर्च अच्छा डाल दिया था शुरू में, लाल मिर्च कम यूज करते हैं और मरीच ज्यादा यूज करते हैं। एक को स्लाइड करके और अब ये गया ग्रेवी में और इसको चलाते रहना है। यही है ढाबा, यही ढाबा का अलग मजा होता है, रेस्टोरेंट में ये सब नहीं देखने को मिलता। अच्छा क्रीम आप डाल दिए ना, बनाते समय क्रीम डाल देते हैं। सही अच्छा बटर चिकन में आप लोग मसाले का अच्छा दोनों में इसको यूज करना अनिवार्य है। अच्छा क्योंकि आप जिस मीठापन को क्रीम कौन सा है भैया, अमूल का जी? वाह अमूल का तो मेरा फेवरेट क्रीम, अमूल का फेस क्रीम मेरा फेवरेट है, ये जरूरी होता है। अच्छा अब इसमें जो मीठापन आता है बटर चिकन में वो क्रीम के कारण ही आता है ना? ही आता। अच्छा अच्छा क्रीम ही गलता है। हाँ और वो ड्राई हो जाता, ड्राई होकर के वो टेस्ट देता है बटर चिकन का। हालांकि बहुत आदमी जो है डायरेक्ट बटर भी वगैरह बटर वटर डालते हैं, लेकिन बटर से ज्यादा बेटर ये है। अच्छा फेस क्रीम जो अमूल का है वो भूल जाता। कसूरी को क्रश कर दिया, आप लोग खाइएगा तो इसको हम ज्यादा मीठा चाहिए। चलिए चुटकी भर गरम मसाले डाल दिए, रेडी हो गया, रेडी हो गया हम लोग का बटर चिकन। जो हम लोग का बटर चिकन बना था उसके ऊपर एग को क्रश कर दिया गया और वो एग वाइट था और उसके बाद उसका टेस्ट में एक अलग एगपन आएगा और ऊपर से काजू दिया गया है। तो चलिए टेस्ट करके बताते हैं। और हमारे विपिन भाई जी हैं वो भी हमारे साथ टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है जुबली ढाबा का बटर चिकन। चलिए शुरू करें। भाई गजब, एक लेवल ऊपर है ये। मैंने बहुत जगह बटर चिकन खाया है लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, वाकई में बहुत ही बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है चिकन को खाने में। भाई खाकर मजा आ गया, आप आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल स्ट्रीट फूड हिंदी इसको करिए सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। बाकी अपने चैनल पे आते रहिए, देखते रहिए अलग अलग पकवान अलग अलग स्ट्रीट फूड।